नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आखिरकार फाइनल लिस्ट सामने आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे, मतलब नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, तो उनके साथ कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार से कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे। सवाल ये नहीं है कि बिहार से कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है मोदी मंत्रिमंडल में, बिहार को कितनी हिस्सेदारी मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में। सवाल यह है कि किंग मेकर को क्या मिल रहा है, जनता दल यूनाइटेड को क्या मिल रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी को क्या मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी मिल रही है, सांकेतिक हिस्सेदारी मिल रही है कि अनुपातिक हिस्सेदारी मिल रही है, कितने मंत्री पद मिल रहे हैं। पटना में पोस्टर लगा, टाइगर जिंदा है, तो जो टाइगर जिंदा है उस जिंदा टाइगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भाव दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कितना भाव दे रही है, यह भी अपने आप में सवाल है। पहले हम बिहार से बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट बता दें, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। तो बिहार से कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे और बिहार से जिन 8 मंत्रियों को शपथ लेना है, गिरिराज सिंह हैं, बीजेपी कोटे से बनेंगे, बेगूसराय के सांसद हैं, नित्यानंद राय बीजेपी कोटे से सांसद हैं उजियारपुर के, और ये भी मंत्री बनेंगे, दोनों पहले भी मंत्री रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में। राजभूषण निषाद चौधरी पहली बार सांसद चुनकर आए हैं और बीजेपी के सांसद रहे अजय निषाद को मुजफ्फरपुर सीट से हराया है, तो इनको भी बनाया जाएगा मंत्री। सतीश दुबे बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, मंत्री बनेंगे। ललन सिंह मंत्री बनेंगे जेडीयू कोटे से। रामनाथ ठाकुर जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद है, मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान एलजेपी रामविलास से मंत्री बनेंगे, हाजीपुर से सांसद हैं। जीतन राम मांझी हम के सांसद हैं गया से, और वो मंत्री बनेंगे। अब जब आप इस लिस्ट पर गौर करेंगे तो जो फाइनल लिस्ट दिखाई दे रही है उसमें ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जेडीयू कोटे से यही दो लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं, अगर नीतीश और हैं अगर नहीं हैं, नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं वो मोदी के लिए बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो फिर इतनी कम हिस्सेदारी क्यों? चर्चा तो थी कि कम से कम 4 मंत्री बनेंगे या कम से कम 3 कैबिनेट मंत्री तो बनेंगे ही, या फिर 2 कैबिनेट मंत्री 2 राज्य मंत्री तो बनेंगे ही। ये बहुत न्यूनतम हिस्सेदारी तो नीतीश कुमार को मिलेगी, जेडीयू को मिलेगी मोदी मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार में, लेकिन सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री, तो ऐसा क्यों हुआ है? ये क्या खेल जेडीयू के साथ हुआ है, ये क्या खेल नीतीश कुमार के साथ हुआ है? कहां 4 मंत्री बनने थे, कहां 2 ही मंत्री बन रहे हैं, और बीजेपी ने कैसे मनाया होगा नीतीश कुमार को इसके लिए? नीतीश कुमार क्यों मान गए, कैसे मान गए इसके लिए 2 ही मंत्री पद मिल रहा है, आखिर इसके क्या मायने हैं? तो आगे आगे पता चलेगा, समझने में, तस्वीर सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। भारतीय जनता पार्टी से क्या डील हुई है नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार अगर माने हैं तो जरूर कोई बड़ी कीमत वसूल रहे हैं क्या, कोई और बड़ी डील हुई है क्या, यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत माहिर राजनेता हैं और वो यूं ही मानने वाले नेताओं में से नहीं हैं। पटना में पोस्टर लगता है, टाइगर जिंदा है, बीजेपी को नीतीश कुमार की ताकत का एहसास बार बार कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी 2 ही मंत्री पद कहां? तो केसी त्यागी कह रहे थे कि हमें तो प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर था इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी ठुकरा दिया, और यहां 2 मंत्री पद से संतुष्ट हैं केसी त्यागी भी, नीतीश कुमार भी, जेडीयू भी। तो ये क्या माजरा है, ये क्या खेल है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको अनुपातिक हिस्सेदारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहा जा रहा था कि हर 4 सांसद पर कम से कम 1 मंत्री का कोटा मिलेगा, 1 मंत्री मिलेगा, तो 12 सांसद हैं तो कम से कम 3 मंत्री तो बनने चाहिए थे, तो एक तरह से ये सांकेतिक हिस्सेदारी ही है। 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं जेडीयू के कोटे से। आगे क्या डील हुई है, आगे भी कोई डील हुई है, आगे क्या होना है, उस पर निगाह टिकी हुई होगी। अभी जो बात दिख रही है वो ये दिख रही है कि जेडीयू की जो हैसियत है इस वक्त सरकार में, और जेडीयू जितनी जरूरी है, और जिस तरह से मोदी नीतीश के मोहताज हैं, जेडीयू के मोहताज हैं, उस हिसाब से ये हिस्सेदारी कम है,
उस हिसाब से हिस्सेदारी आंशिक हिस्सेदारी है, आंशिक भागीदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।